मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, मेरा नाम संतोष कुमारी है और मेरी आँख में पर्दे के अंदर ब्लड आके रुक गया था, जिसकी वजह से एक साइड मुझे दिखाई नहीं दे रहा था और PGI से इलाज चल रहा था, लेकिन वो इंजेक्शन लगाते थे, फिर उसके बाद एक महीने के बाद वही कंडीशन में आ जाते थे। तो मुझे मेरी बेटी ने बताया कि आपने योगा करो और लॉन्ग बिलोंग करेंगे और इसी से आराम लगेगा। तो मैंने कम से कम 3-3 घंटे लॉन्ग बिलोंग किया, मेरी आँख का कम से कम 75% उसी से ठीक हो गई है और अब मैं यहाँ योगपीठ आई हूँ और यहाँ पे 5 दिन हो गए और से जो अक्षय दर्शन कर रहे हैंगे, आँख में जो भी इलाज कर रहे हैं उसके साथ मुझे बहुत अच्छा आराम मिल गया। और साथ ही मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो कि आज 5 दिन में जो इन्होंने मेरे घुटने का इलाज किया उससे मैं काफ़ी ठीक हो गई और मेरा दर्द भी गायब हो गया और योगा करने से ही सारे मेरी ये तकलीफें दूर हुई है। मैं मदन पाल मलिक बिजनौर से योगपीठ में 8 तारीख 12वां महीना सन 2022 को आया था। आज 16 तारीख हो गई है। मैं बलेफेरोस्पाज्म की बीमारी से गंभीर रूप से पिछले 6 महीने से पीड़ित था। परम पूज्य स्वामी जी की महान कृपा से और महान आशीर्वाद से मुझे इस बीमारी में बहुत ज़्यादा लाभ मुझे मिला है। मैं तकरीबन जो है 70% ठीक हूँ इस समय। ये सब परम पूज्य स्वामी जी की महान कृपा के कारण हुआ है। मैं उनसे जिस दिन आया था व्यक्तिगत 1.5 मिनट की मेरी मुलाकात हुई थी और उस 1.5 मिनट की मुलाकात में उन्होंने मुझे कुछ थेरेपीज बताई थी और उनका मैंने 100% पालन किया है। उन थेरेपीज को मैंने लिया है और उसी का परिणाम है कि आज मुझे बलेफेरोस्पाज्म 70% कम है और फोटोफोबिया की जो मुझे समस्या हो गई थी वो भी तकरीबन मेरी 90% ठीक है। और अब मैं इतना समर्थ हो सका हूँ कि मैं चल सकता हूँ आराम से, आंखें खोल सकता हूँ जब तक कि बहुत ज़्यादा तनाव ना हो। और ये सब परम पूज्य महाराज जी की कृपा है। मैंने इससे पहले एलोपैथ में कई हॉस्पिटल्स में दिखाया, मैंने नई दिल्ली के मैक्स में दिखाया, मैंने श्राप हॉस्पिटल नई दिल्ली दिखाया, मैंने सीएल गुप्ता मुरादाबाद दिखाया, मुझे कहीं से कोई लाभ नहीं मिला था। सबने मुझे बताया था कि आपको बोटोक्स ही लगवाने पड़ेंगे और आज मैं इस स्थिति में हूँ। मुझे उम्मीद बंदी है कि मैं 100% ठीक हो जाऊँगा। स्वामी जी ने मेरा नया जीवन दे दिया है। मैं फौज से मेरे को डिसेबल्ड करके मेडिकल पेंशन भेज दिया था। उसके बाद मैं 2005 में स्वामी जी से जुड़ा। उसके बाद मैं दोबारा से फिट हो गया हूँ। आज से तकरीबन 17 साल पहले मैं कोई भी काम करने के लिए अनेबल था और अभी मैं एकदम से बिल्कुल फिट हूँ। मेरे घुटनों में एक्सीडेंट की वजह से चोट हो गई थी, कमर में चोट हो गई थी, आज मैं अपने सारे कार्य अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तो मैं स्वामी जी को सच सच नमन करता हूँ। मेरी मिसेज का सर्वाइकल 14-15 साल से था, जो कि अब एक्सरसाइज और यहाँ दवाई वगैरह और सिंगी लगवाने से उसको 50% आराम हो गया है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुझे पिछले 4 साल से फैटी लीवर की शिकायत थी और डाइजेशन ठीक नहीं रहता था। उसके बाद मैंने सर्वकल्पक्वात ये TV पे देखकर, स्वामी जी को जो रिकमेंड करते थे उसे देख करके मैंने घर में शुरू किया और पिछले 3 महीने से मैं इसका सेवन घर में ही कर रहा था। उसके उपरांत मैंने यहाँ योगपीठ आने का विचार किया और लगभग 6 दिनों के अंदर मेरा जो फैटी लीवर है वो Grade 2 से बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब किसी भी तरह की मुझे डाइजेशन की यहाँ पे समस्या नहीं रही और मैं बिल्कुल ठीक और फिट महसूस कर रहा हूँ, जिसके लिए स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक और बात जो मुझे थी वो थी आँखों की तकलीफ। आँखों की रोशनी काफ़ी कम हो गई थी, दूर और नज़दीक की नज़र, और यहाँ पर आकर के जिस तरह से अक्षय तर्पण के माध्यम से, आई वॉश के माध्यम से,
अनुलोम विलोम के माध्यम से जो विभिन्न उपचार यहाँ पे वैद्यों ने रिकमेंड किए और हमने उसको पूरा फॉलो किया, उसके उपरांत जो है मेरी आंखों की रोशनी बढ़ी है, मैं दूर और नज़दीक बहुत बेहतर तरीके से अब देख पा रहा हूँ और मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ। मेरे पूरे बदन में दर्दें हो जाती थी क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ अब जॉइंट्स में कहीं कमज़ोरी आ जाती है, तो यहाँ आकर के जो उपचार किया गया उसके उपरांत वो दर्दें जड़ से ही ख़त्म हो गई हैं। तो इस सब के लिए मैं स्वामी जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद।